बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। खातिन हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत सारे सवाल तालों के बारे में आए हैं, तालों के ब्रांड्स के बारे में नहीं आए, ना तालों के साइज़ के बारे में, बल्कि ताले की चाबी के बारे में। आमना फजल ने पूछा है, सर प्लीज़ बताइए किस रिश्ते का ताला कहाँ छुपा होता है। मेरे बच्चे, ये कोई सहेली बूझ पहेली थोड़ी है कि आपको ये बताया जाए किस रिश्ते का ताल्लुक किस किताब के पीछे, किस दरवाज़े के पीछे। ऐसा ना सवाल करना चाहिए, ना जवाब लेना चाहिए। बी स्पेसिफिक, आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप पूछेंगे तो फिर हम उसका ट्रेंड देखेंगे ना, कि वो अपने दिल कहाँ रखते हैं, उनका ताला कहाँ छुपा हुआ, उनका ताला है किस साइज़ का। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे शुरू में एक ताला दिया और बड़ा खूबसूरत ताला था, और उसकी चाबी उसके अंदर नहीं लगती थी बल्कि ताले के यहाँ रखी जाती थी, और जो ही उसको ऐसे रखते थे तो ताला खुल जाता था। मैं किस रोज़ आपको दिखाऊंगा, ज़हरा किसी ने डिज़ाइन किया होगा खूबसूरत सा। इसी तौर पे आपको याद है, आपके घर में जब गाड़ी आती है और आप ज़रा फैशन में आके उसका वो लगाते हैं रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल में चाबी तो नहीं होती, एक बटन दबाते हैं और एक ताला नहीं खुलता, चार ताले इकट्ठे खुलते हैं। इसका मतलब ये हुआ हर ताले की चाबी भी फ़र्क होगी, उसके साइज़ के अतबार से होगी, उसकी सहूलत के अतबार से होगी, उसकी खुशी के अतबार से होगी। तो मसला क्या है आपको ये जानने, जांचने और आंकने में। आज मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने शहर से बाहर से आना था, गाड़ी की चाबी खो गई, अब नई बिल्कुल उनकी गाड़ी थी, और सारा दिन उनका लग गया, ना चाबी मिली ना वो खुली। ज़ाहरा किसी और वहाँ लोकल वो जो चाबी खोलने वाला, वो तो उसकी चाबी बनवा नहीं सकता, ना उसको खोल सकता है। ये नई जो ताले हैं सारे बहुत सेंसिटिव हैं। फिर उन्होंने लाहौर फ़ोन किया अपनी बहन को और अपने भाई को कि शायद उनके घर कोई उसकी डुप्लीकेट पड़ी हो, पर ज़ाहिर वहाँ डुप्लीकेट नहीं थी। तो याद रखिएगा, अगर चाबी डुप्लीकेट न पड़ी हो तो भी कभी कभी बड़ा मसला हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फार सेफर साइड कहीं ना कहीं चाबी आपको रखनी चाहिए। मेरे साथ चूँकि ख़ुद बहुत बीता रहा, जिन ज़माने में मैं स्पिरिट यूनिवर्सिटी में था तो लाहौर से वो 20 किलोमीटर दूर थी। अब होता ये था कि यूनिवर्सिटी की चूँकि मसरूफियत ज़्यादा होती है, यानी आप जाते ऐसे खप जाते हैं, तो समटाइम ये होता था कि जो ही मैं पहुँचता था यूनिवर्सिटी, तो पहुँच के मैंने आधा पारा पढ़ना होता था, मैं गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ता था। तो अगर कोई टीचर आ गया, स्टाफ का कोई बंदा आ गया कि सर रजिस्ट्रार साहब बुला रहे हैं, रेक्टर साहब बुला रहे हैं, तो मैं फिर छोड़ के चला जाता। तो कभी कभी चाबी गाड़ी में भूल जाती थी, एक दफ़ा नहीं, ये बार बार मेरे साथ होता था। तो फिर मैंने सेफर साइड ये किया कि अपने घर में दो चाबियाँ बना के रखी और एक चाबी अपने ऑफिस में रखी, कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो बंदा ऑफिस से ले ले, ऑफिस भी बंद हो तो फिर किसी लड़के को, किसी असिस्टेंट को घर भिजवा के वहाँ से मैं चाबी। जो मेरे पास गाड़ी थी ये किया स्पेक्ट्रा, ये 1600 सीसी थी और ये ना तो धक्के से चलती थी ना किसी और चाबी से खुलती थी। अब जैसा ताला होगा या जैसा प्रोडक्ट होता वैसे ही लगेगा। साईद अमीन ने पूछा है कि सर सारे ताले खुल सकते हैं लेकिन सास और बहू का ताला नहीं खुल सकता, मेरे तो इनके सामने हाथ खड़े हैं। मेरे बच्चे, जल्दी हिम्मत हार ली आपने। हमारे घर के करीब ही नुक्कर पे एक ताले वाला है, उसमें लिखा हुआ है शेरू ताला ओपनर, शर्तिया जो ताला खुलवाना चाहें खुलवाइए और ना खुले तो 200 रुपया मैं पल्ले से दूंगा। आप सोचिए, वो चिट्टा अनपढ़ लड़का है, वो भी ताले खोल सकता है, उल्टे सीधे छोटे बड़े लॉकरों के और घरों में और आपके बेड के और बेडरूम के और खिड़कियों के जो जो जितने ताले टाइप्स होते हैं। उसका मन कहता है, फिर उसने उसको अपनी उंगलियों के सिखाया, छोटी सी तार की मदद से, किसी एक पेचकस की मदद से, कुछ नंबरों की रीडजस्टमेंट की मदद से। इसका मतलब है दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है, करना चाहो तो हो जाएगा। बहुत साल पहले हमें गवर्नर हाउस केपी के पेशावर गए, तो वहाँ से निकल के वहाँ आगे जो कवायली इलाका है वहाँ एक बहुत बड़े सरदार का घर था। आप सोचिए, ये उस ज़माने में, ये मिड 90s की बात कर रहा हूँ, एक कर्नल साहब हमारे दोस्त हैं, कर्नल मुमताज़, उनका मैं मेहमान था, वो आगे तोरखम तक लेके गए। अच्छा, तोरखम जाते हुए रास्ते में एक अफरीदी कबीले का जो सरबराह था उसका घर हमने देखा। उस वक्त उसके बड़े बड़े घर थे और उसके गैरेज में कोई 18 गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह थी,
और तब अभी कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब भी रिमोट कंट्रोल से वो खुलता था। ये जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हो बेटा जी, ये सारे रिमोट कंट्रोल रिश्ते हैं। आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हो, हिम्मत ना हारा करें। मियाँ का दिल हो या सास का दिल, ससुर का दिल हो या ससुर की जेब, जहाँ जहाँ ताले होते हैं इनको खोलने का गुर आना चाहिए। गुर हम सीखते नहीं हैं, गुर सीख लें तो यकीन मानिए बहुत से काम आसान हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको गुर बताना चाहूँ, आम तौर पे ताला तब नहीं खुलता जब सामने वाला ज़िद्दी होता है, और औरतों की ज़िद हो या बच्चों की, ये जो हट धर्मी है, हट धर्मी में ताला नहीं खुल सकता, दिल कैसे खुलेगा। वहाँ आपकी इंट्री भी बंद हो जाती है, फिर आप उनके रोज़मर्रा मामूलात और मामलात में भी शामिल नहीं हो पाते। दूसरा, जो ताला खोलने आए और खोलने से पहले वो शोर मचाने लग जाए, मैं खोलने आ गया, मैं खोलने आ गया और मैं ये कर दूंगा, उससे कभी काम नहीं होता। जितनी औरतें, जितनी लड़कियां शोर ज़्यादा मचाती हैं, शाउट करती हैं, आगे से ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं और जो करना हो उसी के नारे लगाना शुरू कर देती हैं, उनसे भी ताले नहीं खुलते। तीसरा, जो कंपैरिजन बहुत करती हैं, उस घर में दूसरी बहू के साथ, उस घर में उनकी अपनी बेटी के साथ, उस घर में आने वाली किसी भी खातून के साथ, कंपैरिजन में आप हार जाते हो। कंपैरिजन आपका बनता नहीं है, कंपैरिजन को दूसरा करे तो करे, आप खुद कंपैरिजन जब भी करोगे तो आप उस गेम से ही बाहर हो जाते हो। याद रखिएगा, गेम के जो रूल्स हैं दूसरे तय करते हैं, आप नहीं तय करते। 20 साल के बाद आप तय करोगे, जब आपकी बहू आएगी, जब आपके अपने बेटे बड़े हो जाएंगे, जब आपके अपने बच्चे होंगे, जब आप ख़ानदान के सरबराह बनोगे, तो तब रूल्स आप तय करोगे। इन रूल्स के नतीजे में, इन रूल्स से भुगतने के नतीजे में या सीखने के नतीजे में, अगर आपने कुछ अच्छा सीखा होगा तो आप उसके रूल्स बदल लोगे। अदरवाइज़ एक और बात याद रखिएगा कि इन दिलों के तालों के जो रूल्स हैं, क्रिकेट का रूल हॉकी में नहीं लगता, हॉकी वाला आइस हॉकी में नहीं लगता, आइस हॉकी वाला फ्री स्टाइल कुश्तियाँ वहाँ नहीं लगता, फ्री स्टाइल कुश्तियों के जो रूल हैं वो देसी कुश्ती में नहीं लगते। तो हर घर का, हर ख़ानदान का, हर फर्द का ताला, उस ताले को जानने की कोशिश तो कीजिए, उसकी खूबियों को, उसकी खूबसूरतियों को, उसकी ज़रूरतों को। ये वो इन्ग्रीडियंट हैं जिनसे वो ताले बनते हैं। आप उनको तो जानने की कोशिश करने पर तैयार ही नहीं होते। पत्थर के ताले हों, स्टील के ताले हों, लोहे के ताले हों, जिस चीज़ के भी हों, हर ताला खुलता है। मैंने गज़ा में एक डॉक्टर साहब के घर गए, ये फ़िलिस्तीन में, तो रात को 2:30 बजे उनके घर पहुँचे, तो जब मेरा ख्याल था उतरेंगे गाड़ी से, बेल देंगे, उन्होंने ना बेल दी ना उतरे, तो जो गाड़ी का रिमोट था उसी को उन्होंने दबाया, तो ये हमारी दुकानों के जो शटर होते हैं बिल्कुल इस तरह का शटर था, और वो अपने आप शटर ऊपर उठने लगा और ऊपर चला गया, फिर गाड़ी अंदर ले गए। वहाँ गाड़ी से उतरते हुए वो वापस नहीं आए, हम सारे वापस आके अपने दरवाजे बंद करते हैं, तो उन्होंने वहीं से फिर रिमोट, मैं फ़िलिस्तीन की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है पसमानदा है, तलखी है, जेल है और कितनी सख्ती है, पर इसके बावजूद ज़िंदगी और ज़िंदा दिल लोग तो रवा हैं, वो अपने लिए आसानियाँ भी ढूँढते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी ढूँढते हैं और उन सारी चीज़ों को। सो रिश्तों के मामले में याद रखिएगा, रिश्तों का ताला लोहे का नहीं होता, रिश्तों का ताला स्टील का नहीं होता, रिश्तों का ताला जिस मटेरियल से बनता है वो ख़ानदान और उस फर्द या उस रिश्ते के साइज़, उसकी मोहब्बत, उसके एतबार, उसकी ज़रूरतों, उसकी मोहब्बतों, उसकी नफ़रतों, उसकी अच्छाइयों, उसकी बुराइयों के मटेरियल से बनता है। उसको तो पहचान लो, उसकी ज़रूरतों को आप पहचान लेंगे, उसकी पसंद और नापसंद में आप ढल जाओगे, तो यकीन मानिए लोग अपने ताले की जगह खुद ही बता देते हैं कि यहाँ लगेगा, ये चाबी है, वहाँ पड़ी होती, उठाइए और लगाइए और उसको खोल लीजिए। ज़िंदगी आपकी है, चाबियाँ गुम करने वालों की नहीं है, चाबियाँ तलाश करने वालों की है। चाबियाँ तलाश करते जाइए, ज़िंदगी अपने दरवाज़े, अपने ताले अपने आप आपके सामने वाह करती जाएगी, उसको खोलते जाइए, टच करते जाइए। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों के दिलों पे पाँव रखते हुए आगे गुजरते जाते हैं, आखिर ये गुर भी तो लोग सीखते हैं ना, उनकी पजीराई यहाँ से लेके वो वहाँ तक होती है। झूठे, दगाबाज, फ्रेबी, काले दिल वाले,
दूसरे को धोखा देने वाले, दूसरे को चीट करने वाले, हमेशा अपना फ़ायदा देखने वाले, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले, दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत ना रखने वाले, ये अंधे लोग होते हैं, अंधे शीशे जैसे। टकरे मारते रहेंगे, इनको चाबियाँ नहीं मिलती। खुद गर्जी तो आपको वैसे भी सामने से मंजर ही पूरा धुंधला देती है। आपकी ज़िंदगी में सुख कहाँ से आए? और ताला खोलने का जो सुख है, ये उनको मिलता है जिनकी आँखें बिल्कुल सीधी देख रही होती हैं, और आँखों का ताल्लुक आपके दिल से और दिमाग से होता है। इन सारे रिश्तों में इन पर गुस्सा करना छोड़ दीजिए। इनके बारे में अगर आप शाहीन रब्बानी की तरह सोचते रहेंगे तो बहुत तंग होंगे। उन्होंने लिखा है कि सर, पढ़ी लिखी सुलझी लड़की हूँ, शादी के बाद ससुराल वालों ने मिल के ऐसी मत मारी है कि सारी पढ़ाई, सारा सुघड़ापा, सारी अकल धरी की धरी रह गई। मेरे बच्चे, ऐसा कब होता है? सुघड़ापा आपकी उंगलियों की पोरों में होता है, सुख और हुनर आपकी आँखों के इन पलकों में, इन भमों में, आपके लम्स में, आपकी सोच में होता है। कोई दूसरा कैसे छीन सकता है? आपकी ज़ुबान का जायका कोई दूसरा ले सकता है? आपकी ज़ुबान की मिठास कोई दूसरा आपको दे सकता है? आपके दिल की हिम्मत को दूसरा लेने की जरूरत करके दिखाए, कितने की लेगा, कैसे लेगा? ना हिम्मत को चुराई जा सकती है। हाँ, हारने वालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो पहले हार जाए, जो पहले सोच के जाए कि हाय ये मेरी हिम्मत भी ले जाएंगे और मैं सुलझी इतनी हूँ कि मुझे भी ये हरा देंगे, तो मेरे बच्चे, जो हारा हुआ दिल हो वो तो फिर जीतने की दौड़ में शामिल ही नहीं होता। आप थोड़ा सा अपनी सोच बदल के देखिए। अगर सुघड़ापा है तो दानिश है, अगर सुघड़ापा है तो तारीफ़ है, अगर सुघड़ापा है तो तहसीन भी आएगी। ये हो नहीं सकता कि आपकी जो सुघड़ापा है आपके लिए वहाँ मोहब्बत क्रिएट ना कर दे। तो ऐ प्यारी लड़कियों, सुघड़ापे से, अकल से, दानिश से बरी उज़ुमा नहीं होना, ना से हार माननी है। इन छोटे छोटे तालों को ढूंढते रहा करो, इनकी चाबियाँ वहीं कहीं आसपास पड़ी होती हैं, ढूंढा करो, लगाया करो, कीप ऑन ट्राइंग। एक दिन खुल जाएगा, दिल भी खुल जाएगा, वक्त भी खुल जाएंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।